हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि JBCCI गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जितने भी लोगों को सेलेक्ट करना था अलग अलग यूनियन के द्वारा, वो कर लिया गया था। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अनुमानित नाम बताया था कि ये मेरे हिसाब से हो सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि BMS के 3 सदस्य जो होंगे वो न्यू होंगे इस बार। और वही बात अखबार में भी आज का छपा है कि 10 जून 2021 का अखबार में छपा है कि BMS इस बार अपना सभी मेंबर को नया मेंबर को नामित कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है, ये यूनियन के तरफ से जो ट्रेड यूनियन है उसमें 14 मेंबर को फाइनल सेंशन कर दिया गया है। और जो कोल इंडिया का मैनेजमेंट है, कोल इंडिया मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि BCCL, MCL और CMPDIL में जो CMD है उसका पोस्ट जो है वो अभी फिलहाल खाली है, जिसके कारण कंपनी CMD के जगह किसको भेजेगा ये नामित नहीं कर पा रहा है, ये तय नहीं कर पा रहा है। और इसमें जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि CMD किसी भी पोस्ट में खाली रहते हैं, रिक्त होते हैं तो पोस्ट, तो फिर उस टाइम में ऐसा JBCCI 11 का जो गठन हो रहा है, RNCW 11 में मीटिंग करने के लिए, अभी अंदर से ये न्यूज़ आ रहा है कि इसके लिए पहले मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग करने के बाद डिसाइड किया जाएगा सारा सब्सिडियरी के द्वारा कि ये तीनों जो कंपनी है, BCCL, MCL और CMPDIL, इस जगह पे CMD के तौर पे किसको नामित किया जाएगा। देन ये बाकी के जो मेंबर्स हैं उसका लिस्ट तय किया जाएगा। और अंदर का ये न्यूज़ है कि कुछ दिनों में, यानी 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें JBCCI 11 का जो गठन है उसको लेके एक नोटिफिकेशन वो होगा। और फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जितने भी यूनियन का मेंबर्स का नाम बताया था, दो दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो बना दिया था, तो वो इंटरनल न्यूज़ था, उसके साथ फिर से मैंने वीडियो बनाया था। और वो सारे के सारे नाम सही हैं, आज के अखबार में वो सारे के सारे नाम छपे हुए हैं। तो BMS में इस बार सारे मेंबर नए होंगे, तो जिन्होंने 10वें JBCCI में प्रतिनिधित्व किया था वो BMS में शामिल नहीं हो रहे हैं इस बार, लेकिन बाकी सब मेंबर्स में कुछ ना कुछ मिला जुला के हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो BMS में जो शामिल हो रहे हैं वो हैं डॉक्टर BK रॉय, ब्रजेंद्र कुमार रॉय जी, प्रदीप दत्ता, वाइन सिंह, और इतने ही वैकल्पिक हैं, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ऑप्शनल सदस्य हैं वो है बिंदेश्वरी प्रसाद, ए श्रीनिवास राव, एल जगमोहन, लक्ष्मण चंद्रा, ये सब वैकल्पिक रखे गए हैं BMS की तरफ से, यानी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। इसका कारण ये है कि जो प्रदीप दत्ता सर थे उनका 2017 में ही निधन हो चुका था, और डॉक्टर BK राय जो थे वो BMS से पदमुक्त हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, और बाकी जो हैं वो रिटायर हो गए थे। ऐसे में पूरे के पूरे सदस्य जो हैं उसको न्यू अपॉइंट करना पड़ रहा है BMS को। तो फिलहाल आगे का ये न्यूज़ है कि 11वें JBCCI मीटिंग को लेकर एक बार 2 जून को मीटिंग किया गया था, और मीटिंग में बहुत सारा ड्राफ्ट के बारे में चर्चा किया गया था। और वो चर्चा के बाद जो BMS के नेता है सुरेंद्र पांडे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो ड्राफ्ट प्लान को तैयार करेंगे। अभी वापस से 1-2 दिन के अंदर में JBCCI 11 का मांग पत्र को लेके अंतिम रूप दिया जाएगा, और एक बार फिर से मीटिंग किया जाएगा, उस मीटिंग में इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि मैंने वीडियो में बताया था कि फीमेल VRS को लेके उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं था, तो फीमेल VRS को भी इसमें इंक्लूड किया गया था वीडियो बनाने के बाद। और धनबाद में इस बार पहली बार 3 सदस्य को नॉमिनेट किया गया है, इससे पहले 3 मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया गया था एक ही जगह से, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, जिसमें सिट्टू के जो हैं वो अरुण चटर्जी जी, BMS के KP गुप्ता, और जो HMS है उनमें से सिद्धार्थ गौतम जी को सेलेक्ट किया गया है। ये मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है, ये प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी बीच इंटक से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इंटक में जो KN त्रिपाठी जी हैं उन्होंने आह्वान किया है कि जो भी तीनों गुट है, दोनों गुट है, वो दोनों गुट अभी एक हो जाएं। उन्होंने ये कहा है कि कोयला मजदूरों के हित में इंटक के तीनों घड़ों को एक होने की आवश्यकता है, आपसी विवाद को अलग कर तीनों मिलकर JBCCI के 6 मुख्य व 6 वैकल्पिक सदस्यों के नाम पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर कोल इंडिया को देना चाहिए। हम इंटक के रेड्डी व ददई ग्रुप से एक होने की आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि जो KN त्रिपाठी जी हैं वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वह उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार तो चाहती है कि इंटक में विवाद चलता रहे ताकि इंटक मजदूरों का नेतृत्व नहीं कर सके। एकता का प्रयास हमने शुरू किया है, उम्मीद है रेड्डी और दुबे ग्रुप सहमत होंगे। आपसी सहमति से
आपस में सहमति में बनाकर 12 नाम कोल इंडिया को भेज दें, इसमें सरकार का मंसूबा विफल हो जाएगा, बाद में हम लोग तय कर लेंगे कि कौन असली है और कौन नकली। ये अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, अगर इंटरनल मैटर ये वाला सॉर्ट आउट हो जाता है, जो मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है उसमें मैंने कहा है कि अगर इंटक का इंटरनल मैटर सॉर्ट आउट हो जाता तभी वो अपना नाम दे पाते और वो JBCCI 11 में भाग ले पाते, NCAA 11 में मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाते। तो अब देखने से ये लग रहा है कि एक ग्रुप अगर इस चीज़ के लिए राजी है, तो अगर रेड्डी ग्रुप और ददई ग्रुप इस चीज़ के लिए राजी होते हैं, वो आपसी सहमति बनाते हैं, तो वो आपसी ड्राफ्टिंग करके 6-6 नाम जो है वो कोल इंडिया चेयरमैन को भेज देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी इंटक ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था यही आपसी विवाद के चलते। तो अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, जिसमें देख के तो एक लगता ही है कि सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो इंटक भी इस बार पार्टिसिपेट करेगी, और अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर इंटक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, फिर वो जो बाकी के यूनियन है सेंट्रल यूनियन 4 वही इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो टोटल मिला के 14 मेंबर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।